यो व्हाट्स अप गाइस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिन से भाई तू क्या भूल गया इस वर्ल्ड को। भाई बिल्कुल भी भूला नहीं, आपकी वजह से वीडियो को अपलोड नहीं किया। भाई आप लोग लाइक एम कंप्लीट नहीं करोगे तो वीडियो आएगी कैसे भाई। तो इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी से लाइक एम कंप्लीट करते रहो, वीडियो जल्दी जल्दी से आता रहेगा। इस वीडियो का लाइक मैं 15 तो ज़्यादा बुक ना करते, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर गेम प्ले सीरीज। मैं हूं साहिल। तो चलो गेम प्ले कुछ कर लेते शुरुआत। तो भाई पहले तो मैंने सोच लिया था कि भाई आज तो हमको ना कुछ अलग करना है, मतलब ये वाला बेस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने एक काम किया, बहुत जल्दी जल्दी जितना भी मेरे पास सामान था, इंपॉर्टेंट सामान, बाकी आलतू फालतू सामान को मैंने छोड़ ही दिया। इस बेस को भाई भूल ही जाओ, भाई कब आएगा भाई कुछ पता नहीं। तो आप लोग अभी इस बेस को भूल ही जाओ। इस बेस को मैंने पहले भी बोला था टेम्पोररी बेस, क्योंकि ये परमानेंट में यहाँ पर रहने तो नहीं वाला हूँ ना, तो मैंने बोला था क्योंकि टेम्पोररी है तो टेम्पोररी इसको मैंने छोड़ देने का डिसाइड बहुत जल्दी जल्दी कर लिया। तो सारा इंपॉर्टेंट सामान लेके आर्मर, दो आर्मर, भाई आर्मर क्या, फुल आर्मर तो नहीं है, सिर्फ दो आर्मर को ही लेके हम लोग यहाँ से चलो निकल पड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ से बहुत जल्दी जल्दी निकल लेते हैं, क्योंकि वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं तो वीडियो बहुत क्या बहुत से बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर ही देते हैं हम लोग। और यहाँ पर मेरे को पंपकिन मिल गया तो मैं सोचा कि आस पास में विलेज होगा। भाई यकीन करो वीडियो को फुल एंड तक देखो ना, सबको पता चलेगा भाई मतलब विलेज कहाँ पे था, आपको भाई खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो मैंने तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, बट आप लोग देख के भी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो कितना देर से ट्रैवलिंग करने के बाद एक झलक सिर्फ विलेज का देखा। तो मैंने एक फालतू समय वेस्ट नहीं किया और विलेज पे चला गया। भाई ये विलेज शायद मेरा आखिरी नहीं, मतलब बहुत अच्छा एक हो सकता है गेम का शुरुआत, क्योंकि इस विलेज के उधर देखो मतलब स्नो का है, और मतलब इस विलेज का लोकेशन इतना मस्त है ना कि आप मैं आपको पूरा बोल के नहीं समझा सकता। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो भाई, बहुत ही मस्त है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके बीच में एक बहुत ही फनी सीन हुआ है। इसको देखने के लिए वीडियो को तो बिल्कुल स्किप मत करना, आप हंस जाओगे भाई। एक मेरे को एक अच्छा फ्रेंड भी मिल गया वीडियो का बीच में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आपको वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को भाई कुछ नहीं भाई, सिर्फ एक लाइक कर देना ठीक है, सिर्फ एक। और भाई चलो अभी आगे आप देखते रहो। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो ठीक है फिर मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया सब कुछ। फिर मेरा हंगर ख़त्म हो गया, तो मैं हंगर के लिए एक अपेल्स को खा लिया फिर हम। तो भाई हम लोग ज़्यादा देरी ना करते, पहले तो विलेज का लूट को लूट लेते। चलो भाई मस्त लोकेशन पे पीछे देखो भाई, इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बोलो मेरे को, इस बायोम का नाम मैं भूल जाऊँ। यहाँ पे कुत्ता भी मिलता है, तो अभी भाई मेरे को फ्रेंड्स के लिए तो टेंशन नहीं है, बट मैं आपको बोल दूँ जो डॉग मैंने अभी इधर गया ही नहीं, क्योंकि मेरे को अभी बस नहीं जाना है। तो भाई इधर एक बार अलग से एक्सप्लोर करूँगा, बट अभी नहीं करूँगा, अभी मैं दूसरी मतलब दूसरी जगह को देखने के लिए जा रहा था, मतलब जो था मतलब स्नो का, ठीक है। तो फिर मैंने देखा भाई कैसा गजब है भाई, फिर बीच में ही स्नो, बाकी अलग आसपास में कोई स्नो ही नहीं है। तो मैंने सोच रहा था कि दूसरी जगह से विलेज मतलब जाके घर वर बनाऊँ, तो फिर पहले तो मैंने सोचा कि लूट करके छोड़ दूँ, बट क्या कही भाई विलेज ने मेरे को खींच लिया भाई, पूरा का पूरा विलेज ने इधर उधर घूम के भाई क्या बोलूँ। और सिर्फ देखते रहो भाई, सिर्फ देखो एंड इन्जॉय करो भाई, मेरे को कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही खुद समझ जाओगे सब कुछ। तो वीडियो को प्लीज़ जल्दी एंड तक देखते रहो, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं वीडियो के अंदर मतलब बीच में इंट्रो कर रहा हूँ, तो ठीक है पहले तो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ मेरा फ्रेंड्स को। भाई वेट नहीं हो रहा भाई फ्रेंड्स को दिखाने के लिए मेरा, भाई मैं सोच रहा सब कुछ माइनिंग करके निकल जाऊँगा, बट मैं जब निकल रहा था ना तो मेरे साथ सूरज भी निकल गया और चंदा मामा ऊपर आ गया, तो मैंने फिर से घूम के चलने का फैसला ही बेटर समझा भाई।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये देखो भाई गधे पे है, गधे सवार। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो भाई मैं इस फ्रेंड का बात कर रहा, भाई घोड़ा तो सब कुछ पालता है भाई, गधा किसी को भी मतलब कोई पालता ही नहीं माइनक्राफ्ट में, मिथपैट को छोड़ के भाई। भाई तो फिर इसका भी तो कुछ फीलिंग होगा ना, तो मैंने समझ के इसको आज से पाल लिया। और आप जल्दी जल्दी जाके इस मेरा भाई का नाम कमेंट में लिख देना, और आप जल्दी जल्दी से नाम को सजेस्ट कर दो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा गधा जी का पावर। तो हमारा गधा किसी गधी से कम है के? गधा दौड़ता है जेडेक्स स्टेनार की तरह भाई। अभी तो हो गया जेडेक्स आरएक्स 100 हो गया अभी, वो उसका कोई बात नहीं भाई। पेट्रोल खत्म हो जाता तो हमारा गधा भी काम का ही आता है, ठीक है। तो अभी रुको, मैं पेट्रोल को फ्यूल करके फिर से मैं गधा को इतना जोर से बूस्ट दिया कि सीधा घर पे आके गिर गया भाई। तो भाई हम भाई इधर उधर भटक के कुछ कर तो नहीं पाए, तो सीधा से चुपचाप घड़ी चले आए भाई। तो हमारा गधा को पार्किंग करने के लिए, भाई ये गधा बोलने में इसको ना कुछ ऑकवर्ड सा फीलिंग, कैसा मतलब कैसा लग रहा है भाई। हमारा भाई है ये, इसको गधा नहीं बोलेंगे, इसका तो कुछ कोई भाई कुछ नाम कमेंट कर दो प्लीज़ भाई। हमारा भाई का कुछ नाम, कोई बंदा कोई सा भी नाम कमेंट कर दो भाई प्लीज़। ये भाई बहुत अच्छा बंदा है भाई ये, ठीक है। तो एक बंदा प्लीज़ इसका नाम कमेंट कर देना भाई साहब। तो भाई इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया था, बंद भाई तू टेंशन मत ले, अगली वाली वीडियो में आऊँगा एक सप्ताह, एक वन वीक टू वीक या फिर वन मंथ बाद फिर पक्का आऊँगा, टेंशन मत ले। और तेरे लिए गधी भी लेके आऊँगा प्यारी, समझ गई। तो भाई ये बोल के हमने हमारा भाई को यहीं पे छोड़ के, अभी तो भाई कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, तो हमने थोड़ा घूम के मतलब देखने का डिसाइड किया। तो मेरे को भाई एक दिमाग में आइडिया चला गया, पता आ गया। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि आयरन कॉलम कहाँ पे, ये नहीं सोच रहा हूँ, सोच रहा था कि यहाँ पे एक फ्लाइंग, ठीक है, मतलब विलेज के ऐसी ऐसी टाइप जगह पे एक फ्लाइंग का होम बनाया जाए, ठीक है। कैसा लगेगा मेरे को वीडियो करके, वीडियो में कमेंट करके बोलो, एंड वीडियो कैसी बनी है मेरे को कमेंट करके बताओ। चलो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।